हिंदू धर्म में संकट मोचन भगवान हनुमान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हनुमान जी के भक्त देश के कोने कोने में मिलते हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी हैं, जिन्हें हनुमत भक्त शक्ति का पुंज, संकट मोचन, पवन पुत्र और बजरंग बली आदि के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी का नाम लेते ही बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, हमारे देश में एक ऐसा भी गांव है जहां हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और वहां हनुमान जी की पूजा करना गुनाह की तरह माना जाता है। यहां तक कि वहां हनुमान जी का नाम लेने पर भी पाबंदी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम गजब की बात में। मैं हूँ साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल उत्तराखंड के चामोली में स्थित द्रोणागिरी गांव के लोगों की भगवान हनुमान से ऐसी नाराजगी है कि यहाँ हनुमान जी की पूजा करना किसी अपराध की तरह माना जाता है। यहाँ तक कि इस गांव में हनुमान जी का एक भी मंदिर तक नहीं है, ना ही इस गांव के लोग बाहर के किसी हनुमान मंदिर में जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग संकट मोचन भगवान हनुमान से बेहद नाराज है और ये नाराजगी भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि रामायण काल से चली आ रही है। दरअसल इस गांव में द्रोणागिरी पर्वत है और इस पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। द्रोणागिरी का नाम सुनते ही आपके मन में रामायण का वह दृश्य सामने आ गया होगा जिसमें महाबली हनुमान लक्ष्मण के मूर्छित होने पर पर्वत उठाकर ले आए। जी हाँ, यह वही द्रोणागिरी गांव और पर्वत है जहाँ पर वह जड़ी बूटी संजीवनी मौजूद थी जिससे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण बचे थे। मान्यता है कि जब सीतारण के बाद रावण की सेना से युद्ध हो रहा था तब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए थे। तब उनके इलाज के लिए पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी खोजने यहाँ आए थे। तब इसी गांव की एक महिला ने उन्हें पर्वत का वह हिस्सा दिखाया था जहाँ संजीवनी बूटी उगती थी। लेकिन जब हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए तो पूरा पर्वत ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए थे और यहाँ के लोग इसी पर्वत को देवता मानते हैं। तभी से इस गांव के लोगों के साथ भगवान हनुमान का झगड़ा चल रहा है। यहाँ के लोग भगवान हनुमान से नाराज हैं और उनकी कभी पूजा नहीं करते और आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा न करने की परंपरा जारी है। दरअसल इस गांव के भूटिया जनजाति के लोग क्षेत्र के प्रबंध को अपना कुल देवता मानते हैं और अगर बात करें इस गाँव के बारे में तो यह गाँव लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में फिलहाल लगभग 100 परिवार रहते हैं। वहीं बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हर गांव में रामलीला होती है लेकिन इस गांव में रामलीला का भी आयोजन नहीं होता। लोगों का कहना है कि सालों पहले यहां पर रामलीला का आयोजन किया गया था लेकिन जैसे ही रामलीला में हनुमान के पात्र का अभिनय किया गया तो उसके तुरंत बाद इस क्षेत्र में आपदा आ गई थी। तब से लेकर आज तक इस गाँव में रामलीला का आयोजन कभी नहीं हुआ। बताया तो ये भी जाता है कि आसपास के गांव में रामलीला तो होती है लेकिन उसमें हनुमान जी का अभिनय नहीं करवाया जाता। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग भगवान हनुमान से कितना खफा है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और गजब की बात के साथ। नमस्कार।